नमस्कार, मैं हूं जुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अमृत गर्ग बने शिक्षण संस्थान समिति के अध्यक्ष, कहा फार्मेसी कॉलेज की माली हालत सुधारेंगे। नगर परिषद चुनाव की बड़ी सरगर्मी, वार्ड नंबर 7 में प्रत्याशी उतारेगा राजनीतिक सवाल। इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब डूंगर कॉलेज को, माता पिता और कॉलेज में हुई इनामी बदमाश पुलिस की गिरफ्त में, उधर पुलिस ने लखनऊ से किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। हनुमानगढ़ टाउन के 3 दशक पुरानी राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान समिति के चुनाव में व्यापारी नेता अमृतलाल गर्ग अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने अशोक नागपाल को 5 मतों के अंतर से पराजित किया। खास बात है कि समिति के अधीन एनएमपीजी कॉलेज का सरकारीकरण हो गया है, इसलिए अब इसके तहत फार्मेसी कॉलेज और लॉ कॉलेज ही है। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान समिति के चुनाव में अमृतलाल गर्ग को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। उन्होंने एकमात्र प्रतिद्वंदी अशोक नागपाल को 5 मतों के अंतर से पराजित किया। अमित गर्ग को 10 और अशोक नागपाल को 5 मत प्राप्त हुए। खास बात है कि समिति करीब 3 दशक पुरानी है। इसका मकसद शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है। समिति के तहत एनएमपीजी कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज और लॉ कॉलेज का संचालन होता था, लेकिन वर्ष 2008 में एनएमपीजी कॉलेज का सरकारीकरण हो गया। इसके बाद अब समिति के अधीन 2 कॉलेज रह गए। फार्मेसी कॉलेज की माली हालत ठीक नहीं होने का दर्द नवनिर्वाचित अध्यक्ष अमृत गर्ग को भी है। उन्होंने कहा कि इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा। चुनाव हुए थे, उसमें मुझे चुना गया है। अब मैं कॉलेज के लिए जो भी समस्याएं आई उसका समाधान सारी कमेटी को साथ लेकर करूँगा। अभी अभी हमारे डी फार्मेसी कॉलेज में आर्थिक तंगी है, उसके लिए भी राज्य सरकार से या हमारे एमएलए साहब से मिलकर उसको भी दूर किया जाएगा। और राष्ट्रीयकरण कॉलेज में जो दिक्कतें आ रही है उसमें हमारी कमेटी का जो सहयोग चाहेगा उसको सरकारी करने में हम पूरा पूरा सहयोग करेंगे। नगर परिषद चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। वार्डों में चुनावी बैठकों का दौर चल रहा है। हर वर्ग में जातीय समीकरण बनाने की कोशिशें तेज हो गई है। वार्ड नंबर 7 से वाल्मीकि समाज अपना प्रत्याशी उतारेगा। निकाय चुनाव का बिगुल एक तरह से बज चुका है। राजनीतिक पार्टियां अंदर खाने प्रत्याशियों के चयन को लेकर सर्वे करवाने में मशगूल हैं। हालांकि बाहरी तौर पर पार्टी का नेतृत्व इस तरह की बातों से इनकार करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वार्डों में सर्वे करवाए जा रहे हैं। वहीं जातीयता का खेल नजर आने लगा है। हर वर्ग के लोग लंबवत होकर चुनावी समीकरण को बनाने और बिगाड़ने में जुटे हैं। वार्ड नंबर 7 में वाल्मीकि समाज अपना प्रत्याशी उतारेगा, इस संबंध में समाज की बैठक हुई, जिसमें श्रीमती प्रेम सारस्वत के नाम पर आम सहमति बनी। प्रेम सारस्वत मनीराम सारस्वत की पत्नी हैं। इस बात को लेकर के वार्ड नंबर 7 से हम वाल्मीकि समाज इकट्ठा होकर किस कैंडिडेट को अपने आगामी जो पार्षद चुनाव है उसके अंदर उम्मीदवारी के लिए हम खड़ा कर रहे हैं। हमारे सभी ने साथ मिलकर यह निर्णय लिया है कि हम प्रेम सारस्वत, वाइफ ऑफ मनीराम सारस्वत जी को यहाँ से वार्ड 7 से महिला कैंडिडेट के रूप में खड़ा कर रहे हैं। सभी समाज से और सभी समाज ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि प्रत्येक समाज, प्रत्येक वार्ड से इस समाज का हर उम्मीदवार खड़ा करेंगे और हम पूर्ण रूप से सभी का समर्थन चाहते हैं। सभी वार्ड वासियों से मेरा निवेदन है कि प्रेम सारस्वत जी का। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय जॉन के इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब डूंगर कॉलेज बीकानेर को दिया गया है। डूंगर कॉलेज की टीम ने बीजीएस रामपुरिया कॉलेज टीम को पराजित किया। टूर्नामेंट का आयोजन माता किताबकौर कॉलेज में किया गया। जंक्शन स्थित माता किताबकौर महाविद्यालय में आयोजित महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर जोन की अंतर महाविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल बीजीएस रामपुरिया कॉलेज बनाम राजकीय डूंगर कॉलेज बीकानेर के मध्य हुआ, जिसमें राजकीय डूंगर कॉलेज 12 रन से विजयी रहा। पहले खेलते हुए डूंगर कॉलेज ने निर्धारित 20 ओवर में 114 रन बनाए, जिसमें शंकर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 33 रन बनाए और बल्लेबाज घनश्याम ने भी 29 रन का योगदान दिया। बीजीएस रामपुरिया टीम के सामने 115 रन का लक्ष्य था और धीमी गति से बल्लेबाजी करते हुए नियमित अंतराल में विकेट गिरने के कारण
टीम कुल 102 रन ही बना सकी। इस तरह राजकीय डूंगर कॉलेज बीकानेर जोन क्रिकेट प्रतियोगिता की विजेता टीम रही। समापन समारोह में विजेता टीम को विजेता प्रमाण पत्र द्रोणाचार्य आर डी सिंह, संस्था सचिव माता किताब कौर भूपेंद्र लांबा ने दिए। भूपेंद्र लांबा ने सभी टीमों को भविष्य की शुभकामनाएं दी और प्रतियोगिता में सहयोग के लिए जिला क्रिकेट क्लब के सदस्यों को धन्यवाद दिया। प्रतियोगिता ऑब्जर्वर जीएस बाजवा ने भी विजेता टीम को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। प्रतियोगिता में विशेष सहयोग के लिए दीपक मांडन व संजय रावत को भी पुरस्कृत किया गया। नोहर पुलिस ने लखासर निवासी सुनील उर्फ गोलिया को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। गोलिया लखासर में अपने घर में साथियों के साथ दबोचा गया। आपको बता दें, पिछले दिनों एसपी ने गोलिया की सूचना देने वाले को 4,500 रुपए इनाम देने की घोषणा की थी। नोहर पुलिस के लिए सिरदर्दी बने इनामी बदमाश सुनील उर्फ गोलिया को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे लखासर गांव में उसके घर से ही दबोचा है। पुलिस उपाधीक्षक नानगरा मीणा ने बताया कि गोलिया के विरुद्ध 29 मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, फायरिंग, शराब तस्करी सहित विभिन्न संगीन मामले दर्ज हैं। सीओ ने बताया कि बुधवार शाम पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गोलिया अपने साथियों के साथ अपने गांव लखासर में परिजनों से मिलने आया हुआ है। इस पर पुलिस उपाधीक्षक नानगराम मीणा के नेतृत्व में पुलिस दल बल के साथ जाकर लखासर में उसके घर पर छापामारी की। इसमें सुनील उर्फ गोलिया, उसके साथ विजय और जयसिंह भी पुलिस के धक्के चढ़ गए। हत्या के मामले में फरार गोलिया को भगोड़ा घोषित कर पुलिस उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई कर रही थी। गोलिया पर हाल ही में हनुमानगढ़ एसपी ने 4,500 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। गोलिया राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा में भी शराब तस्करी के मामलों में वांछित था। कोर्ट ने भी उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है। सीओ ने बताया कि पूछताछ में कई और राज खुलने का अनुमान भी है। अपराधी सुनील उर्फ गोलिया को मामूरा मुखबिर की इतला से रोही लाखासर से सीओ नोहर और उसकी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। हमें हमारे मामूर मुखबिर ने इतला दी कि सुनील उर्फ गोलिया इस तरीके से अपने गांव में आया हुआ है। तुरंत हमने रेड मारी पर्याप्त जाब्ते के साथ और हमारी रेड सक्सेसफुल रही, जिसमें हमने सुनील उर्फ गोलिया और उसके जो दो अन्य साथी थे उनको भी हमने उसके साथ ही दस्तयाब कर लिया। और अभी हाल ही में उनकी उर्फ गोलिया नोहर इलाके का ही नहीं बल्कि हनुमानगढ़ जिले का और एडजोइनिंग हरियाणा में भी ये क्राइम करता है। ये हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, लूट, अपहरण है, मारपीट है, फायरिंग है, इन मामलों का पेशेवर मुलजिम रहा है। समाचार अभी और भी हैं, इतनी दिन भर की खबरें। मीट कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। यहाँ पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नजदीक श्रीराम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। लॉयंस क्लब नोहर और 50वां सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र रोवर दल द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए राशि एकत्रित कर प्रशासन को सौंपी गई। जम्मू कश्मीर बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ 1,31,000 की राशि का चेक प्रशासन को सौंपा गया। लायंस क्लब नोहर और 50वां सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र रोवर दल की ओर से जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ एकत्रित की गई 1,31,000 रुपए की राशि का चेक बुधवार को प्रशासन को सौंपा गया। मुख्यमंत्री सहायता कोष में भेजा गया यह चेक एसडीएम सोहन अलकायल,
डीएसपी नानकराम मीना व तहसीलदार कपिल उपाध्याय को सौंपा गया। इस मौके पर लायंस क्लब के अध्यक्ष अमित चाचा ने पीड़ित मानव की सेवा को ही सबसे बड़ा पुण्य बताते हुए कहा कि आपदा में फंसे नागरिकों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। इस मौके पर स्काउट के श्री मोहन बहट, रफिक चौहान, पालिका उपाध्यक्ष प्रदीप सेवक, विकास चाचाण सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद थे। बाढ़ की सहायता स्वतंत्र रोवर दल एवं लंच क्लब के संयुक्त तत्वाधान में और नोहर के नगरवासियों के द्वारा ये जो पुनित कार्य किया गया है, इसके लिए हम पूरे शहर के बहुत आभारी हैं कि जिन्होंने हमें 1,31,000 रुपये दे करके ये आर्थिक जो संबल प्रदान किया है, ताकि उन जम्मू कश्मीर के वासियों को तत्कालीय राहत प्रशासन नोर के द्वारा भिजवाई जा सके और हमारा नोर हर दृष्टि से हर क्षेत्र में सभी सामाजिक सेवाओं के लिए हमेशा अग्रसर रहता है। पूर्व में भी हमने कई इस प्रकार के बाढ़ पीड़ित कैंपों के लिए हमने सहायता दी है और भविष्य में भी हम इसी प्रकार की हर सहायता देते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नवरात्रि की तैयारी शुरू हो चुकी है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में श्री सार्वजनिक नवयुवक कमेटी की ओर से दुर्गा पूजा की तैयारी गुरुवार को शुरू हुई। भूमि पूजन में अध्यक्ष अजीत मंडल सहित काफी संख्या में सदस्य मौजूद थे। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पिछले 22 साल से दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। इस बार भी 30 सितंबर से इस महोत्सव की शुरुआत होगी। श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा नवयुवक कमेटी की ओर से होने वाले आयोजन का आगाज गुरुवार को भूमि पूजन के साथ हुआ। अध्यक्ष अजीत मंडल और पूर्व पार्षद राजेश गुप्ता आदि मौजूद थे। 30 सितंबर को महोत्सव का आगाज होगा, वहीं 2 अक्टूबर को जागरण और 3 अक्टूबर को विसर्जन होगा। इस वर्ष भी सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी का 22वां विशाल और मूर्ति बना करके भूमि पूजन किया गया है। दिनांक 30 सितंबर को इसका मुहूर्त होगा। 2 तारीख को विशाल जागरण व लंगर का आयोजन किया जाएगा। सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से ये 22वां कार्यक्रम है जिसका आज भूमि पूजन किया गया। 30 सितंबर को इनका शुभ मुहूर्त है और 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। 2 अक्टूबर को विशाल जागरण है और 2 अक्टूबर को दोपहर को लंगर की व्यवस्था किया गया है। हनुमानगढ़ टाउन में नगर पालिका रंगमंच पर रामलीला का मंचन शुक्रवार रात्रि शुरू होगा। नगर परिषद की सभापति सुरेंद्र कौर इसका विधिवत उद्घाटन करेंगी। रामलीला की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया और नगर पालिका रंगमंच पर हर वर्ष की तरह इस बार भी रामलीला का मंचन किया जाएगा। शुक्रवार रात्रि नगर परिषद की सभापति सुरेंद्र कौर इसका उद्घाटन करेंगी। समिति के दिनेश तलवाड़िया के मुताबिक शुक्रवार को नारद मुह प्रसंग का मंचन किया जाएगा। 3 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा, वहीं 4 अक्टूबर को श्रीराम का रास तिलक किया जाएगा। रामलीला समिति हनुमानगढ़ की तरफ से हर वर्ष की भांति इस साल भी रामलीला का मंचन बड़ी धूमधाम से किया जा रहा है। चारों तरफ खुशियों का माहौल है और हमारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। कल 19/9 से हमारी रामलीला का मंचन नारद मोह की नाइट के साथ शुरू होगा। 3 अक्टूबर को हमारा दशहरा मनाया जाएगा नई मंडी के प्रांगण में सेक्टर नंबर 1 में और 4 अक्टूबर को भगवान श्री राम जी का राज तिलक होगा और कल उद्घाटन हमारे यहाँ के सभापति चेयरमैन श्रीमती सुरेंद्र कौर जी के द्वारा किया जाएगा। सारे कलाकार हमारे पूर्णतया तैयार है, हमारे ग्राउंड की पूरी तैयारियां चल रही है। लगभग सब सारे जितनी रामलीला के लिए हमें ज़रूरी जो हमें परमिशन चाहिए थी, जितने हमें सामान चाहिए था, हमारे कलाकार पूरे हौसले के साथ काम कर रहे हैं।
दिवंगत प्रमोद पांड्या की स्मृति में नोहर में आयोजित रक्तदान शिविर में लोगों ने उत्साह से भाग लिया। रक्तदान शिविर में करीबन 150 यूनिट रक्तदान किया गया। शिविर में डॉक्टरों ने निःशुल्क जांच कर उपचार भी किया। नोहर में दिवंगत प्रमोद पांड्या की स्मृति में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान एवं चिकित्सा शिविर में लोगों की भीड़ रही। रक्तदान शिविर का उद्घाटन पुलिस उपाधीक्षक नानगराम मीणा ने रक्तदान कर किया। इस मौके पर तहसीलदार कपिल उपाध्याय, सीडीपीओ प्रवेश सोलंकी, प्रभु शर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद थे। इसके अलावा चिकित्सा शिविर में जयपुर से आई चिकित्सकों की टीम ने लोगों की विभिन्न बीमारियों का उपचार निःशुल्क किया। शिविर में शहर के अलावा ग्रामीण इलाकों से भी लोगों की भारी भीड़ रही। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।